लिटिल डियर यानी कि जो छोटा सा डियर होता है हिरण होता है या फिर हिरण का जो बच्चा होता है बेबी होता है उसे हम कहते हैं फोन क्लियर तो यहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट जॉडी एंड द फोन कहाँ से आया कैसे रिलेटेड है ये स्टोरी ये सारी चीजें तो हम बाद में कवर करेंगे बट ओवरऑल क्योंकि इन दोनों के बारे में ही पूरा चैप्टर है तो ये द टाइटल इज वेरी अप्रोप्रिएट एंड ऑल्सो इस पूरे चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम बेसिकली ह्यूमैनिटी की करें इंसानियत की बात करें या फिर आपको ह्यूमन बींग कहा जाता है हमें ह्यूमन बींग कहा जाता है क्यों बिकॉज वी हैव सम वे दैट ह्यूमैनिटी राइट और ह्यूमैनिटी में बेसिकली दो से तीन चीजें होती है बहुत जरूरी है दैट इज नंबर वन इज काइंडनेस नंबर टू इज़ लव नंबर थ्री इज कम्पैशन यानी अगर आप किसी के लिए काइंड नहीं हो आप किसी को बहुत क्रूअल वे में ट्रीट करते हो या फिर आपके अंदर किसी के लिए भी वो लव या कम्पैशन वाली फीलिंग नहीं है यू ऑलवेज काइंड ऑफ एनवी अदर जेलस होते हो एंग्री होते हो या फिर आप हमेशा हेट करते हो लोगों को तो फिर आप में ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट नहीं करती बट येस इफ यू आर समवेयर ग्रेटफुल यू आर काइंड देन यू हैव दैट लव एंड कंपैशन फॉर नॉट ओनली अदर ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो फॉर ऑल द स्पीशीज ऑन दिस अर्थ देन येस यू हैव दैट ह्यूमैनिटी इन यू और वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि भले ही जॉडी बहुत छोटा सा बच्चा है बट ही हैज दैट अंडरस्टैंडिंग ही हैज दैट काइंडनेस एंड लव एंड अफेक्शन फॉर इवन एंड एनिमल कैसे वो सारी चीज़ें हैं वो हम जरूर देखेंगे इन दिस स्टोरी बट येस बिफोर दैट लेक्चर्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर देन वील सी इन जस्ट वन टू टू लाइन्स की एक्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिफोर यू रीड पार्ट बिफोर वी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर ऑल राइट सो मार्जरी किनान रोलिंगस बोर्न ऑन ऑगस्ट 8, 1896, लेफ्ट द वर्ल्ड दिसंबर 20, दिसंबर 14, 1953, वाज एन अमेरिकन ऑथर हु फ्लोरिडा एंड रोड नावल्स विद रूरल थीम्स एंड सेटिंग्स। तो ये जो ऑथर हैं वो खुद एक विलेज में रही हैं एक रूरल एरिया में रही हैं और इसीलिए उनकी जो कहानियाँ होती थी जो भी नॉवल्स वगैरह होते थे वो रूरल थीम्स और सेटिंग्स पे बेस्ड होते थे यानी जो विलेज से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं क्लियर

Beings, other species, whether it's an insect, even, or all we are going in this chapter. Done, all right. So now we are given something that we should read, like a before you read part. Often, instead of rushing to the doctor. टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम तो क्या लिखा है यहाँ पर कि कभी भी जैसे छोटी मोटी चोट लग जाती है बर्न हो जाता है कभी जल जाता है हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट देन उसके बाद अगर कोई भी कट लग जाता है तो हम क्या करते हैं ऐसा होता है क्योंकि कट लगा हम बोलते हैं नहीं, नहीं नहीं अभी डॉक्टर के पास चलो अब थोड़ा जल गया नहीं 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 डॉक्टर के पास चलो ऐसा नहीं होता बल्कि क्या होता है मम्मी पापा जो है वो हमारे कुछ ना कुछ घरेलू उपाय यूज करते हैं और वहीं पर ट्रीट कर देते हैं ठीक है कुछ भी होता है जैसे हमारे घर में बहुत सी चीजें

फॉर दीज यानी कि आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन दी हुई है और आपको सॉर्ट ऑफ ऐसा सोचना है कि और क्या घरेलू उपाय होते हैं होम रेडीज रेमिडीज होती हैं जो हम यूज करते हैं इन सब चीजों में तो आप क्या करो अभी तो मैं डिस्कस कर लूंगी जितना मुझे पता है बट येस यू कैन ऑल्सो आज दीज क्वेश्चन योर मॉम कि कैसे हम यू you नो know, अगर हमें कट लग जाता है या बर्न हो जाता है तो हम घर में क्या क्या चीजें यूज करते हैं टू तो डील विद इट तो आपका सॉर्ट ऑफ एक नॉलेज भी बढ़ेगा कभी गलती से अगर आपके पास नहीं हो हॉस्पिटल जैसी यू नो फेसिलिटी या गलती से आप बहुत दूर है किसी आउटर एरिया में है वट यू कैन डू यू नो

बहुत सूदिंग होता है एलोवेरा जेल लगाते हैं तो इस तरीके से आप होम रेमेडीज को हो तो कोई मधुमक्खी का डंक लग जाता है बी स्टिंग तो आप क्या करते हैं तो हम उस एरिया को वॉश करते हैं उस पे कुछ ठंडा सा सा सूदिंग लगाते हैं कुछ लोग होते हैं जो कुछ मेटल की चीज उस पर रब करते हैं तो बहुत से तरीके होते हैं घर के घरेलू उपाय जो हम यूज करते हैं टू तो ट्रीट सच थिंग्स ऐसा नहीं होता कि आपके नी पे कट लग जाता तुरंत आप डॉक्टर के पास भागते हो नहीं ऐसा किसी घर में नहीं होता एवरीबडी डस्ट दिस कि आप उस वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए ताकि यू नो वो ट्रीट कर सकते को उस चीज को आप उस वोन्ड पे कुछ ना कुछ घरेलू चीज कुछ ना कुछ होम रेमेडी का एप्लीकेशन करते हो राइट ऑल राइट right. इन द स्टोरी जॉडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक अब क्या होता है यहां पर कि यहां हम पढ़ रहे हैं ना जॉडी के बारे में तो जॉर्डी जो बच्चा है इसके पापा को इस स्टोरी में एक rattlesnake, एक रैटल स्नेक पॉइजनस सा स्नेक होता है रैटल क्यों बोलते हैं इस तरीके का उसका ऊपर का पार्ट होता है टेल में ठीक है तो एक रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये स्नेक जो कि क्या होता है बहुत ही पॉइजनस एक विनोमस स्नेक है उसने जॉडी के फादर को काट लिया है and he quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison to so, jordi ke papa ko jo ki rattle snake ne kaat liya hai to so, turant kya karte hain wo वो इस doe को Doe क्या होता है Adult female deer. तो so, deer है female deer को बोलते हैं doe और इनके baby deer को क्या कहते हैं Fawn.

फोन को यू uh, नो you know, इतनी प्रॉब्लम हो रही होगी या फोन के बारे में सोच रहा जॉडी बिकॉज उसकी मॉम को किल करके हार्ट और लिवर का यूज किया गया है ताकि उसके पापा ठीक हो सके क्लियर ऑल राइट नॉ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी बिगे फ्रॉम जॉडी अलाउड हिस्सा टू ड्रिफ्ट बैक

पेनी ठीक है एंड ही वॉज

होना नॉर्मली पीपल का उससे बड़ी थी साइज ठीक है तो अभी भी उसके पापा जो है वो पहले से बेहतर थे उनकी आंखें खुली थी क्लियर थी बट ये yes. अभी भी जो पीपल्स हैं वो डार्क थे और एनलाज थे डन तो इस तरीके से उनके फादर की कंडीशन यहाँ पे हमको एक्सप्लेन की गई है जॉडी सेट हाउ आर यू फीलिंग पा तो जॉडी अपने पापा के पास जाते हैं एंड ही आस्क हिम कि हाउ आर यू फीलिंग आपको आप कैसा फील हो रहा है अपने से कि मुझे अच्छा लग रहा है मैं अच्छा फील कर रहा और ऐसा लग रहा है कि जो death है, old death पुराना एक वो बोल रहे हैं मतलब वो बहुत बाल बाल बच्चे हैं उन्होंने वो बच गए बट अब वो कहीं और चला गया है किसी और कोई पे चोरी करने

सो दे आर नॉट लाइक ट्रेंड फ्रॉम नाउ और या फिर दे आर नॉट ट्रेंड एट वेरी अर्ली एज की उनको कैसे खाना वाना ढूंढना है सो द मदर वुड बी दन जो कि इस फोन के लिए खाना लाती होगी बट नाउ एज अ मदर इज नॉट अलाइ सो फोन मस्ट बी हंग्री एंड ऑल्सो मस्ट बी स्केर्य बिकॉज ही मॉम नहीं है क्लियर तो उनके फादर बोलते हैं सपोज सो जॉड इज फादर इज लाइक हाँ मुझे भी यही लगता है कि वो फोन जो है वह हंगरी होगा और डरा हुआ होगा आई एम अग बॉय नाव एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द्रिंक इट हेयर एंड रेज इट तो यहाँ जॉडी के जॉडी जो है वो अपने पापा से बोलते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ आएम अ बिग बॉय आई एम ग्रोन अप नाउ एंड आई डोंट नीड ड्रिंक नीड टू ड्रिंक मिल्क और मुझे जो है अब दूध पीने की जरूरत नहीं है

ही वो बड़ा होता जाएगा एज द फोन विल ग्रो ही वुड स्टार्ट ईटिंग द लीव्स एंड अकॉर्न यू आर smarter than boys of your age we took its mother and it wasn't to blame तो वो जिसके पापा हैं पेनी वो बोलते हैं जॉडी को कि तुम अपनी एज के जो बच्चे होते हैं उनसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो एंड वैसे भी हमने उसकी मॉम को लिया था राइट वी टुक अवे द मॉम और वी स्नैच्ड अवे फ्रॉम दैट लिटिल बेबी डियर और फोन सो इट्स नॉट इट वॉजन टू ब्लेम तो उसकी गलती नहीं थी राइट right? कि हमने अगर उसकी मॉम को ले लिया तो उसमें उसकी क्या गलती है सो वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू टेक केयर ऑफ हिम श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ और उसके पापा बोलते हैं कि बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल होगा कि बिल्कुल भी ना हम थैंक यू ग्रेटिट्यूड जो हमें फील करना चाहिए हम अगर उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा ये अगर हम उसको ऐसे ही भूखे रहने के लिए छोड़ देंगे बिकॉज ऑब्वियसली उसकी मॉम नहीं है तो उसको दिक्कत होगी ना खाना वाना ढूंढने में और वो स्टाफ करेगा तो इट माइट ऑल्सो लूज हिज लाइफ तो इसीलिए इट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल इट वुड बी अनफेयर अगर हम उस फोन को ऐसा ही भूखा छोड़ देंगे ट से नो टू यू एन एव थी सी अनादर डे और पेनी बोलते हैं येस आई कॉन्ट डिनाई दिस आई के नॉट से नो टू यू की मत लाओ फोन को बैठे रहो घर पे बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि मैं एक और दिन जिंदा रह पाऊंगा यानी कि मैं आगे अपनी लाइफ जी पाऊंगा बिकॉज ऑफ द डो यानी कि जो उसकी मॉम थी फोन की उसकी वजह से जिंदा हूं सो so येस yes, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगाटली गो एंड फाइंड द फोन एंड ब्रिंग इट इन आर हाउस डन ऑल राइट तो इसके पापा ने तो क्या किया भाई परमिशन दे दी है किसको जॉडी को तो अब जॉडी ऑब्वियसली बहुत खुश होगा

तो उसके पापा बोलते हैं कि अपनी मॉम को बोल देना कि मैंने तुम्हें परमिशन दे दिया

कर रही थी He said, Ma, Pa says I can go bring back the phone. She held the coffee pot in mid air. तो so, वो जो एकदम से बोलता है जॉडी अपनी मॉम को कि पापा ने बोल दिया है कि मैं जाकर उस फोन को घर ला सकता हूँ तो so, उसकी मॉम जो कि कॉफी पॉट से उन्होंने कॉफी पोर करनी थी कप्स में उनको एकदम से कॉफी पॉट पकड़ के बातचीत करने लगती है इसीलिए कॉफी पॉट कहाँ है बिल्कुल मिड एयर में क्लियर सो नाउ द You know now Penny had given the permission to his son that you can go find out the phone and you can raise him as his mother only saved my life right So now jordi is very happy he is like okay I got the permission and he asked his father can I just go with Millwheel and I will find the phone He tells his mom now that

पा। तो वो बोलता है जॉडी अरे वही फोन जिसका जिसकी मॉम जो है जो डो थी उसको हमने मार डाला और उसके हार्ट और लिवर को यूज किया था जिसकी वजह से पापा सेफ हो गए शी गेस्ट वेल फॉर पिटी

राइट मैम नथिंग इन द वर्ल्ड क्वाइट फ्री और वहां पे जो डॉक्टर आए हुए थे इनके फादर के इलाज के लिए तो वो बोलते हैं मैम दैट्स राइट बहुत सही बोल रहे हैं इसके पापा किट वुड बी अनग्रेटफुल अगर वो उसको वहीं पे छोड़ देंगे बिकॉज नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज आपको फ्री में मिल जाती है हर एक चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है कुछ ना कुछ करना पड़ता है राइट हार्ड वर्क करना पड़ता है एवरीथिंग तो इसीलिए पे भी आपके हस्बैंड की अगर लाइफ लाइफ बच गई है लाइफ सेफ हुई है हुई तो इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट एनिमल राइट बिकॉज ऑफ दैट डो तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा उसके बदले कुछ तो करना पड़ेगा ना सो वी वुड रेज इट्स फोन उसके बेबी को हम रेस करेंगे एंड दैट इज हाउ हम पे बैक कर पाएंगे क्लियर सो ओवरऑल वेन Jody uh, told his mom that he wants to go and bring the fawn back because his father told that it would be ungrateful if he would leave that fawn hungry there to starve in the jungle. As uh, that uh, that baby fawn, it was not his fault. His mother kind of saved life of my father, so it's our duty to bring the fawn back home and take care of it. And this is how the doctor was also like that, yes, it's right, and your husband is right or your son is right because nothing in this world comes for free. So, yes, if the dough has saved the life of your husband, so you also need to do something so that you can pay back. You have to raise its baby. Clear? Alright. बॉय इज राइट एंड डैडीज राइट तो डॉक्टर जो है वो यही बोलते हैं कि बच्चा भी सही बोल रहा है उसके पापा भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आपको फोन लाकर उसका ध्यान रखना अब जो मिल व्हील थे पर्सन वो इनकी मॉम को बोलते हैं कि वो मेरे साथ जा सकता है पीछे बैठ के वो जा सकता है और मैं इसकी हेल्प करूंगा उस फोन को ढूंढने में शी सेट डाउन दॉट

हमारे पास और कुछ नहीं है उस फोन को खिलाने के लिए सो इट वॉज लाइक ना कि कैसे बच्चा जाएगा फोन को ढूंढेगा एंड ऑल्सो कुछ मॉम्स होती हैं जिनको एनिमल्स को घर पे ला कर उनको पालना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, right? तो इनके मॉम बोलती हैं कि विल जस्ट अलाउ यू टू गो एंड फाइंड दैट फोन ओनली इन वन केस इफ यू आर रेडी टू गिव योर मिल्क द वे पार्ट दैट यू द मिल्क यू ड्रिंक डेली इफ यू कैन शेयर दैट विथ द फोन देन डेफिनेटली मैं

को बोलते हैं माउंटेड तो मिल व्हील जो है वो हॉर्स पे बैठ गया उसको बिल्कुल राइड करने के लिए पहले जॉडी को पुल किया उठाया और उसको पीछे बिठा दिया क्लियर सो नाउ द मॉम वाज लाइक शी वाज वरी शी वाज लाइक वेदर यू विल बी बैक ऑन टाइम और नॉट जॉडी सेड येस आई विल बी बैक होम बिफोर डिनर फॉर श्योर हंड्रेड गारंटी दैट आई विल बी श्योर श्योरली बैक फ्रॉम द जंगल बिफोर डिनर

कि ये जो डियर था बेबी डियर उसके ऊपर बॉडी पे जो स्पॉट्स हैं हैं जो दाग वो वो एक लाइन में थे और अगर फीमेल होता तो फिर वो किसी भी डायरेक्शन में होता है यानी कि ये जो डियर फैमिली होती है इसमें मेल फीमेल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो इनके फादर ने, के फादर ने ने जॉडी के इनको समझाया था कि अगर कोई मेल डियर होगा तो स्पॉट्स एक लाइन में होंगे और अगर फीमेल डियर होगा तो स्पॉट्स किसी भी डायरेक्शन में होंगे एवरी विच वे मतलब इन डिफरेंट डायरेक्शन क्लियर तो जब इन लोगों ने स्पॉन को देखा था तो उसकी बॉडी पे जो स्पॉट्स थे वो एक लाइन में थे ठीक है एक ऑर्डर में थे तो इसीलिए वो क्या है एक मेल बेबी डियर है यानी फोन क्या है ही है क्लियर तो दिस इज हाउ जॉडी एक्सप्लेन करते हैं मिलविल को कि क्यों उसको वो ही बोल रहा है टन ऑल राइट पार्ट सेज जॉडी हिमसेल्फ ओवर टू थॉट

पता तो वो मिलविल को डायरेक्शन दे रहा था कि नॉर्थ की तरफ टर्न करो इट वाज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फोन तो वो बोलते हैं कि बस यहीं पे थोड़ी दूरी पे मैंने देखा था कि पा जो है यानी उसके जो फादर है पेनी उसको रैटल स्नेक उनको रैटल स्नेक ने वहां पर बाइट किया था यानी काट लिया था एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फोन और वहीं पर इन लोगों ने डो को मारा और वहीं उसने फोन को देखा था किसने जॉर्डी ने सडनली जॉर्डी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम पर से ऐसा हुआ कि जॉडी नहीं चाहता था कि मिलविल जो है वो उसके साथ आगे जाए इफ द फोन वाज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव अस डिसअपॉइंटमेंट सी क्यों ऐसा वो सोच रहा था जॉडी बिकॉज़ जॉडी को लग रहा था कि अगर फोन जो है वो जिंदा नहीं होगा वो डेड होगा तो फिर मेरी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो मैं नहीं चाहता कि मिलविल देखे क्लियर बिकॉज़

Suddenly, he was like, Ki If you know Millwheel is there with me, I don't want that he should continue the journey with me. Because if, in case, unfortunately, the phone is dead, the disappointment which will be there on my face or the disappointment which I would be feeling, I don't want that Millwheel should be witnessing that. Clear?

तो जब वो जॉडी को लगता है कि नहीं अब वो नहीं चाहता कि मिलवील आगे बढ़े उसके साथ तो वो बोलते हैं कि अब थोड़ी दूर पे इतना भी ज्यादा दूर नहीं है फोन के लिए मतलब जहां पर फोन उसने देखा था वो रास्ता थोड़ी देर में आ जाएगा एंड इट इज़ नॉट दैट फार अवे कि अब उसको मिलवील की ज़रूरत है ऑल्सो क्योंकि जो स्क्रब है जो वहां का वेजिटेशन है जो बहुत ज्यादा ड्राई होता है तो वो नहीं चाहता कि उस पर उसका हॉर्स चले एंड ऑल्सो आई कैन मेक इट ऑन ऑनफर्ड और मैं भी थोड़ा वॉक करके चला जाऊंगा और मैं ढूंढ लूंगा फोन को But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. But Millwheel of the of the view कि Jody, because छोटा है, तो ऐसा ना हो कि तुम्हे you know रास्ते याद नहीं रहे, तो भूल जाओ। या फिर तुम्हे भी तुम्हारे पापा की तरह वो snake bite कर ले। So I can't take a risk. So what if if you are not able to remember the way? What if if the that snake or any other snake bites you? So I can't leave you alone. So this was uh, the way जो Millwheel जो है sort of deny कर रहे थे Jody के इस reason को कि क्योंकि वेजिटेशन बहुत रफ है तो उस पर हॉर्स को वॉक नहीं करा सकते एंड ही कैन मेक इट ऑन फूट ही कैन जस्ट वॉक अ लिटल डिस्टेंस एंड ही एबल टू सर्च फॉर बट बिकॉज मिल वील थॉट दैट जॉडी बींग अ वेरी स्मॉल बॉय ही कैन ऑल्सो बी लॉस्ड इन द वे और मे बी द स्नेक कैन बाइट हिम सो ही वुड नॉट टेक दैट रिस्क क्लियर ऑल राइट

ऑफ राइट हेयर और मुझे सिर्फ यहीं पे छोड़ दो यानी ड्रॉप पी है एंड यू कैन जस्ट गो बैक बिकॉज

टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग टॉल पाइन यानी पाइन ट्री होता है बहुत ही लंबा सा बड़ा सा ट्री इस ट्री को कहते हैं हम पाइन ट्री बहुत बार आपने देखा भी होगा शायद और इसको कहा गया है मेक्स अ बियरिंग एक्सपस एंड टू आइडेंटिफाई यानी कि ये जो टॉल ट्री है इसको याद में रख के लोग डायरेक्शन याद रखते हैं जैसे कंपस होता है ना जैसे हम उसको ले जाते हैं वो पॉइंट आउट करता है यहाँ नॉर्थ है या साउथ है ईस्ट है वेस्ट है वैसे ही इस जंगल का ये जो पाइन ट्री है उसको हम कंपस की तरह यूज करते हैं ताकि इसको देखते हम समझ जाए अच्छा ठीक है हम यहाँ से इधर जाएंगे तो यहां ईस्ट आएगा यहां से इधर जाएंगे तो नॉर्थ आएगा क्लियर सो लॉन्ग सो लॉन्ग मिल व्हील आई एम ओब्लाइज्ड और वो बोलता है कि पाइन ट्री बहुत बड़ा है सो so लॉन्ग तो इसी चीज को रिपीट करते हैं जॉर्डियन इज लाइक हाँ ये बहुत बड़ा ट्री है और इसके लिए मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ मैं बहुत ज्यादा ऑब्लाइज हूँ सो ओवरऑल वो मिल को कन्विंस कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओ और मैं फोन को आगे जाकर खुद ही ढूंढ लूंगा क्लियर ऑल राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी सो इन दिस बी हाफ सीन की क्यों जॉर्डी फोन टाइटल दिया हुआ है राइट नंबर टू कैसे जॉर्डी के दिमाग में बार बार फोन से रिलेटेड जितने भी था वो आ रहे थे बिकॉज उस फोन की जो मोम थी यानी जो डो थी जो फीमेल डियर थी उसी को मार के उसके पापा को सेव किया गया था सो so ओवरऑल ये फोन जो है वो ऑफिन हो गया है उसके पास उसकी मोम नहीं है उसका ध्यान रखने के लिए सो so इस तरीके से उस फोन को अकेले छोड़ देना स्टाफ करने के लिए हंगरी रहने के लिए ये चीज

स्टोरी सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच